ऐसा नहीं है कि हम यही देखते रहें कि कौन सा कर्म, कौन सा गुण जो है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। केवल ये इसके लिए अपने आप को निस्सहाय नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो नींद आ रही है, मेरे ऊपर तो रजोगुण, मेरे अंदर तो हवस इतनी है, मेरे तो डिजायर्स इतनी है, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पहले क्या करके आए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में मुझे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे अपने आप को डिटरमाइन करना है कि ये कार्य मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं पहले भी इस कार्य से पछता चुका हूँ। क्योंकि जो गलत कार्य है उस करने के बाद तो हम हमेशा पछता है ना, कोई पहले पहला एक्सपीरियंस थोड़ी है। हम लोग तो जीवन भर गिरते आए हैं और धक्का खाकर फील करते हैं कि आईना नहीं गिरेंगे, अपने आप को संभाल के चलेंगे, फिर सिचुएशन आती है फिर गिर जाते हैं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि पहले क्या हो चुका है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमको पूर्व कर्मों से प्रभावित तो है हम, लेकिन उन पूर्व कर्मों से बंधे हुए नहीं है, इसलिए हमको डिसीजन लेना आना चाहिए कि अब हमको ये करना है ये नहीं करना है।